हेलो माय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल एमएससी करियर पॉइंट। प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी गई एक बहुत ही मशहूर पोएम पिल का शल, जो कि टीजीटी अथवा पीजीटी इंग्लिश दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है। तो चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, आई होप आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। I was thy never once thou rugged pills. Four summer week I dwelt in sight of thee. I saw thee every day and all the whiles thy form was sleeping on glassy sea. दोस्तों, इसके पहले ज़रा सा आप समझ लेंगे, पिल कासल में दुर्ग होता है किला। यह किला क्या है, एक चित्रकारी किया गया है बीमोंड के द्वारा। बीमोंड ने किले की चित्रकारी इस तरीके से की है कि किले की का प्रतिबिंब जो है समुद्र के नीचे दिखता है। तो उसी चित्रकारी को जब कवि विलियम वर्ड्सवर्थ ने देखा, तो उन्होंने इस कविता को के माध्यम से क्या कहा, देखिए इस लाइन में। आई वॉज दाई नेवर वंस दाउ रग्ड पिल। रग्ड पिल, पिल मीन्स पिल कैसल को कहते हैं। ओ रग्ड पिल मतलब वो पुराने पिल कासल दुर्ग। कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से कि एक दिन कवि ने एक चित्र को देखा जिसमें समुद्र तट पर स्थित पिलकासल नामक दुर्ग को तूफान से उद्वेलित लहरों की चपेट में अविचलित खड़े हुए दिखाया गया था। तो उसी चित्रकारी को देखकर कवि कहता है कि आई वॉज दाई नेवर वंस मिस ओ दुर्ग, शक्तिशाली दुर्ग, मैं कभी तुम्हारा पड़ोसी रहा था। किसी ज़माने में मैं तुम्हारा पड़ोसी रहा था। फोर समर वीक्स आई dwelt इन साइट ऑफ दी, और क्या कहता है आगे, मैं तेरे पास स्थित एक मकान में ग्रीष्म ऋतु के चार सप्ताह तक रहा था। I dwelt इन फोर साइट ऑफ दी, फोर है ना, अब फोर समर, चार ग्रीष्मकालीन सप्ताह तक मैं तुम्हारे पास रहा था। ठीक, आयशा दी एवरी डे, हमने तुम्हें हर दिन देखा था, हर दिन मैं तुम्हें देखता था। एंड ऑल द वाइल, और हर क्षण देखा करता था। दाय फॉर्म वॉज स्लीपिंग ऑन ग्लैसी सी, मैं तुझे प्रतिदिन देखा करता था, और जब मैं तुम्हें समुद्र तट से देखता था तो तेरा फॉर्म, दाय फॉर्म मीन्स आपका प्रतिबिंब शीशे जैसे समुद्र तल पर सोया हुआ नजर आता था। ग्लासी सी का मतलब होता है सीट से जैसी समुद्र के तल पर स्लीपिंग सोता हुआ तो आपका फॉर्म मीन्स तुम्हारा रूप दिखता था। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार और समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आई वॉज दाई नेबर वंस दाउ रग्ड पिल्स मीन्स ओ रग्ड, पुराने पिल कासल दुर्ग, मैं कभी तुम्हारा पड़ोसी रहा था। फोर समर वीक आई dwelt इन साइट ऑफ दी, मैं तुम्हारे ही बगल में लगभग चार ग्रीष्मकालीन सप्ताह तक रहा था। ऐसा दी एवरी डे, मैं तुम्हें हर वक्त हर दिन देखा करता था। ऑल द वाइल मीन्स हर क्षण देखा करता था। दाय फॉर्म वॉज स्लीपिंग ऑन द ग्लासी सी, तुम्हारे उस फॉर्म को समुद्र तल पर शीशे जैसी स्वरूप को, शीशे जैसी समुद्र तल पर तुम्हारे स्वरूप को हर दिन देखा करता था सोते हुए वक्त ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैसेज। So pure the sky, so quiet was air, so like, very like was day to day. Whenever I looked, the image still was there. It trembled, but it never passed away. So pure the sky, so quiet. आगे कभी कहता है, उन दिनों आकाश पूर्णतः बहुत ही बादल रहित था, साफ सुथरा था, वायु बिल्कुल शांत रहा करते थे। एंड प्रतिदिन आकाश इसी दशा में रहा करते थे। जब मैं समुद्र के धरातल पर देखता था, जब भी मैं देखा करता था, आसमान इसी तरीके से रहा करते थे। वेन एवर आई लुक्ड द इमेज स्टिल वाज देयर, तुम्हारा स्वरूप इमेज वैसा ही दिखता था। इट ट्रिम्बर्ड, कांपता हुआ स्वरूप दिखता था। समुद्र तल में कोई भी इमेज दिखेगा तो लहरों के साथ वह इमेज भी कांपता हुआ दिखेगा, लहर ना लहराता हुआ। बट इट नेवर पास अवे, लेकिन तुम्हारी जो है जो इमेज थी कभी पास अवे नहीं हुई, कभी गायब नहीं हुई थी, कभी गायब नहीं हुई थी। एक बार फिर से देख लें।
सो प्योर स्काई, आसमान साफ सुथरा था, सो क्वाइट वो शांत, हवाएं शांत थी, सो लाइक वेरी लाइक वाज डे टू डे, इसी तरीके से हर दिन था। व्हेन यूवर आई लुक, जब कभी मैं तुम्हें देखा करता था, द इमेज स्टिल वाज देयर, तुम्हारी छवि वहीं पड़ी रहती थी, ए ट्रेम्बर्ड, हाँ कांपती रहती थी, तुम्हारी लहरों से हिलती रहती थी, बट नेवर इट नेवर पास अवे, लेकिन कभी गायब नहीं हुई। चलिए थर्ड स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड स्टैंजा में कभी कहते हैं, हाउ परफेक्ट वाज द क्लेम काम, इट सीम नो स्लीप, नो मूड विद सीजन्स टेक अवे अ ब्रिंग, आई कुड हैव फैंसीड दैट द माइटी डीप वाज इवन जेंटलेस्ट ऑफ ऑल द जेंटल थिंग्स। अच्छी लाइन है दोस्तों, देखिए इसका मीनिंग क्या आता है, हाउ परफेक्ट वाज द काम, मीन्स वो शांति कितनी अच्छी थी, और शांति कितनी अच्छी थी मीन्स उन दिनों वातावरण पूर्णतः शांत रहा करता था। इट सीम्स नो स्लीप, ना मेरी जो ऐसा लगता था कोई मतलब बिल्कुल शांत है, कोई सोया हुआ नहीं लगता था, बस शांति जैसा प्रतीत होता था। नो मूड विद सीजन्स टेक अवे, परंतु कोई दिवा स्वप्न नहीं था, नहीं कोई ऐसी चित्र थी जो मौसम से उत्पन्न होने वाली या फिर मौसम के द्वारा छीनी जाने वाली थी। ऐसा कोई मौसम नहीं था जो टेक अवे, टेक अवे मतलब छीन लिया जाना था, ठीक। आई कुड हैव फैंसीड, आगे कहते हैं कि रोमांचकारी हृदय की उत्पत्ति थी, मैं कल्पना कर सकता था, आई कुड हैव फैंसीड दैट द माइटी डीप, कि शक्तिशाली, माइटी डीप का मतलब यहाँ पर शक्तिशाली महासागर से है, शक्तिशाली महासागर संसार की सौम्यता को लिए हुए थी, वॉज इवन जेंटलेस्ट ऑफ द जेंटल थिंग्स, जो कि सबसे सौम्य, सबसे जेंटल में भी जेंटल दिखती थी। मैं कल्पना कर सकता था कि उस गहरे समुद्र की गहराइयों में वो जो छवि थी दुनिया के सबसे जेंटल में भी जेंटल दिखती थी, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ स्टैंजा देखेंगे, स्टैंजा नंबर फोर, आह देन इफ माइन हैड बीन द पेंटर्स हैड टू एक्सप्रेस व्हाट देन आई सॉ एंड ऐड द ग्लीम द लाइट दैट नेवर वाज ऑन सी और लैंड कंसक्रेशंस एंड द पोएट्स ड्रीम। देखिए दोस्तों बहुत सुंदर लाइन है, एंड आह यहाँ पर कभी अफसोस जताता हुआ कहता है कि जो चित्रकारी कभी देख रहा है पिल कासल की बीमोंड के द्वारा, कहता आह देन इफ माइन हैड बीन पेंटर सैंड, अगर मेरा हाथ उस पेंटर का हाथ होता, मतलब मैं उस पेंटर के प्लेस पे अगर होता, टू एक्सप्रेस दैट देन आयशा, तो मैं जो कुछ मैंने देखा एक्सप्रेस करता अपने अकॉर्डिंग, ऐड ग्लीम्स, उस चित्रकारी में मैं और ग्लीमनेस मीन्स और सुंदरता और चमक बढ़ा देता, अगर मैं चित्रकारी करता तो उस चित्रकारी में मैं और सुंदरता और चमक को बढ़ा देता अपनी तरफ से। द लाइट दैट नेवर वॉज ऑन सी एंड लैंड, ऐसी लाइट ऐसी चमक उस चित्रकारी में देता कि जो कभी भी समुद्र में अथवा ज़मीन पर नहीं दिखी होती। द कंसक्रेशन इसका परिणाम यह होता, द पोएट्स ड्रीम परिणाम यह होता कि जो पोएट सपने में सोचता है मैं ऐसा करके दिखा देता, ठीक। आई होप आप समझ गए कि यहाँ कवि ने कल्पना किया है, काश मैं इस चित्रकारी को, मैं पिलकासल की चित्रकारी को अगर मैं करता तो और सुंदर बना देता, जैसा लोग कभी लोग कल्पना करते थे वैसा मैं बना देता। आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा, तो चलिए नेक्स्ट स्टैंजा पे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर स्टैंजा को देखेंगे, देखिए दोस्तों इसमें टोटल 14 स्टैंजा है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, 14 स्टैंजा एंड कैरिंग 4 लाइन इज इन ईच स्टैंजा मीन्स इक्वल टू 56 लाइन, टोटल 56 लाइन की पोएम है, 14 स्टैंजा है और 4 लाइन ईच स्टैंजा में है, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए फिफ्थ नंबर,
I would have planted the hoary pills amid a world how different from this, beside a sea that could not cease to smile and tranquil land beneath a sky of bliss. आगे कभी कहता है I would have planted thee, इसमें तुम्हारे प्राचीन होरी पिल्स का मतलब होता है मैवी, वो प्राचीन दुर्ग पिल कैसल को संबोधित करते हुए कभी कहते हैं वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि हे प्राचीन दुर्ग, चित्रकार के रूप में मैं तुझे एक ऐसे विश्व में स्थित दिखलाता जो इस वास्तविक दुनिया से बिल्कुल भिन्न होता, मीन्स तुम्हें मैं इस तरीके से प्लांटेड करता कि एमिट्स द वर्ल्ड हाउ डिफरेंट फ्रॉम दिस, तो इस दुनिया में बिल्कुल अलग होता, ठीक। बिसाइड अ सी दैट कुड नॉट सीज टू स्माइल, कवि की कल्पना है वह उससे अच्छा बना सकता था। और क्या कहता है, मैं तुम्हें ऐसे महासागर के ताट महासागर के पास सी दिखाता जो निरंतर स्माइल करता रहता, मैं बिसाइड अ सी तुम्हें इस तरीके के समुद्र के तट पे मैं तुम्हें दिखाता दैट कुड नॉट सीज टू स्माइल, मीन्स जिसकी स्माइल रुकती ही नहीं, मीन्स तुम और ज़्यादा खुश होते मुस्कुराते, एंड ट्रैंकिल बीनीथ स्काई ऑफ ब्लिस, किस तरीके से ऐसी शांत भूमि पर स्थित दिखलाता जो दिव्य है, एकदम सुख शांति से परिपूर्ण आकाश के नीचे स्थित होती, इस शांतिपूर्ण और दिव्य ब्लिस का मतलब दैवी दिव्य आकाश के नीचे स्थित होते, ठीक। कभी इमेजिन करता है कि मैं होता तुम्हें और अच्छी जगह अच्छे प्लेस देता, अच्छे समुद्र में तुम्हें दिखाता और तुम्हारी सुंदरता और बढ़ाता। आई होप आप समझ गए लाइन बाय लाइन। सिक्स नंबर स्टेंजा देखिए दोस्तों, सिक्स नंबर स्टेंजा में क्या कहा गया है, अ पिक्चर्स हैड इट बीन ऑफ लास्टिंग सी इज एजिलियम एलाइजियन, एलिजियन मीन्स होता है स्वर्गलोक के स्थान, सुखान जिसे कहते हैं स्वर्गलोक का सुख आनंद, विदाउट ट्रायल्स आर स्ट्राइफ नो मोशंस बट द मूविंग टाइड अ ब्रिज अ मेरली साइलेंट नेचर्स ब्रीथिंग लाइफ। अ पिक्चर्स हैड बीन ऑफ लास्टिंग एज, मीन्स ऐसी तस्वीर बनाता मैं तुम्हारी जो हमेशा लास्टिंग एज का मतलब जो कभी भी जिसका रेस्टिंग टाइम खत्म ही नहीं होता, मीन्स बहुत आराम का जीवन होता, एलिजियन क्वाइट मीन्स बहुत ही सांसारिकता से दूर, मीन्स स्वर्गीय शांति दिलाता, विदाउट ट्रायल्स एंड स्ट्राइफ मीन्स जीवन में कोई संघर्ष नहीं होता, कहने का मतलब कहता है कभी अनंत आराम स्वर्गीय शांति से युक्त परिश्रम तथा संघर्ष से विहीन होता तुम्हारा लाइफ, जिसमें इस गतिमान समुद्र तथा हल्की हवा के चलने के अलावा कोई अन्य गतिमान वस्तु न होती, मीन्स कोई दूसरी गति दूसरी प्रॉब्लम न होती, मीन्स तुम समुद्र के साथ एकदम लहरों के साथ आनंद में रहते, है ना। नो मोशन बट द मूविंग टाइड, कोई गति नहीं होती बट टाइड के साथ घूमते रहते, अ ब्रीज और मेरली साइलेंट नेचर ब्रीथिंग लाइफ, और तुम शांति से शांत प्रकृति में आराम से रहते, तुम शांत प्रकृति की ऐसी चीज़ें होती जो जहाँ पर कोई तकलीफ ना होती, ठीक, एकदम साइलेंट होते, प्रकृति के साथ केवल जीवन का आनंद लिए होते। स्टैंजा नंबर सेवन देखते हैं दोस्तों, सेवन नंबर स्टैंजा में क्या है, सच इन द फॉन्ड इलूजन ऑफ माय हार्ट सच पिक्चर्स वुड आई एट दैट टाइम हैव मेड एंड सीन द सोल ऑफ ट्रूथ इन एवरी पार्ट A steadfast peace that might not be betrayed. Such in fond illusion. Fond illusion का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण कल्पना। मैं अपने मूर्खतापूर्ण कल्पना से अपने दिल से है ना तुम्हारा ऐसा चित्र बनाता, सच पिक्चर ऐसा चित्र बनाता would at the time have made. ऐसा पिक्चर ऐसी तस्वीर बनाता तुम्हारी कि उस चित्र के प्रत्येक अंग में सत्य की आत्मा झलकती, एंड सीन द सोल ऑफ ट्रूथ इन एवरी पार्ट,
मैं अपनी मूर्खतापूर्वक कल्पना से तुम्हारी ये ऐसी तस्वीर बनाता कि जिसमें हर अंग में अंग अंग में सच्चाई झलकती। अ स्टीड फास्ट पीस एंड माइट नॉट बी बिट्रेड। और ऐसी स्थिर स्टीड फास्ट पीस का मतलब ऐसी स्थिर शांति दिखता जो कभी भी नष्ट होने वाली नहीं थी, कभी भी धोखा देने वाली नहीं होती, कभी भी धोखा देने वाली नहीं होती। आई होप आप समझ गए कि कवि कितनी ऊंची कल्पना कर रहा है। काश वह कभी, काश विलियम वर्ड्सवर्थ पील कासल का चित्र बनाए होते तो कहीं उससे बहुत अलग हटके होता। ठीक, 8 नंबर पैराग्राफ। आई होप दोस्तों आपको एक्सप्लेनेशन ज़रूर पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो वंस इट वुड हैव सी बीन, इट्स सो नो मोर, इट इज़ सो नो मोर, आई हैव सबमिटेड टू अ न्यू कंट्रोल, अ पावर इज गॉन विच नथिंग कैन स्टोर, अ डीप डिस्ट्रेस हैज ह्यूमनाइज्ड माई सोल। अब आगे वर्ड्सवर्थ कहते हैं, सो वंस इट वुड हैव बीन, अगर एक बार ऐसा होता, मीन्स ऐसा तस्वीर मैं बनाता, बट इट इज़ सो नो मोर, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। आई हैव सबमिटेड टू, मीन्स अब मैं हार मान चुका हूँ, अपने आप को सबमिट कर चुका हूँ, कहने का मतलब मैंने खुद को मैं खो दिया, वो उत्साह मेरे अंदर नहीं रहा, वह रोमांचकारी समय मैं खो चुका हूँ। अ न्यू कंट्रोल, मीन्स अब उतना नियंत्रण नहीं रहा पहले जैसा, अब नई नियंत्रण हो गई है, मीन्स वो पुराना वाला जोश नहीं रहा। अ पावर इज गॉन, मेरी शक्ति अब चली गई, कभी अब यहाँ पर दुखी है, समय के साथ साथ वह उसकी क्षमता कम हो गई है, कभी दुखी है, कहता है मेरी शक्ति चली गई है, विच नथिंग कैन स्टोर, और जो कि कभी अब वापस नहीं आ सकती, एक बार जो शक्ति चली जाती है वो कभी रिस्टोर नहीं होती, मीन्स वापस नहीं मिलती। समय जाने के बाद व्यक्ति बूढ़ा होता जाता है, फिर नौजवानी या फिर बचपन नहीं आता। अ डीप डिस्ट्रेस, अब कभी यहाँ पर बहुत ही डिस्ट्रेस में, बहुत पीड़ा में है, हैज़ ह्यूमनाइज्ड माई सोल, कहता है कि हमारा वह आत्मा से बहुत ही दुखी है, जबकि इसके पहले एक स्वतंत्र पक्षी की तरह उड़ान भरता था, लेकिन अब उसकी आत्मा दुखी है, पीड़ित है, क्योंकि उसका वो समय अब चला गया। आई होप आप समझ रहे हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। Not for a moment could I now behold a smiling sea and be what I have been. The feeling of my loss will never be old. This which I know I speak with mind serene. आगे कहता है कभी, देखिए, not for a moment could I now behold. एक क्षण के लिए भी, अब मैं एक क्षण के लिए भी किसी मुस्कुराते हुए समुद्र की कल्पना नहीं कर सकता हूँ। समुद्र मुस्कुराते हुए समुद्र की कल्पना नहीं कर सकता। मीन्स आई नाउ बिहोल्ड स्माइलिंग सीज एंड बी व्हाट आई हैव बीन, है ना, और चाहे मैं पहले कैसा भी रोमांचकारी रहा हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं रह सकता। कारण, रीजन क्या है? द फीलिंग ऑफ माय लॉस, उसकी फीलिंग लॉस। दोस्तों जानते हैं, वर्ड्सवर्थ के भाई थे जॉन वर्ड्सवर्थ, उनकी मृत्यु समुद्र में डूबकर हुई थी, तो उसी भाई को डेडिकेट करते हुए कहते हैं, क्योंकि अब मैं अपने भाई की मृत्यु से दुखी हूँ, विल नेवर बी ओल्ड, है ना, कारण अपने भाई जान के समुद्र में डूबने से उत्पन्न शोक को मैं कभी भुला नहीं पाऊँगा। इस शोक की तीव्रता जिसका जिक्र मैं शांति से कर रहा हूँ, विल नेवर ओल्ड दिस विच आई नो आई स्पीक विथ माइंड सेरीन, कहता है जिस तरीके से मैं अपने दुख को बयां कर रहा हूँ, अपने दर्द को दिखा रहा हूँ, इस बात को लेकर मैं ही जानता हूँ। आई स्पीक्स विथ माइंड सीरेन, मीन्स अपने दुखी माइंड को मैं ही जान सकता हूँ जो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, आई होप आप समझ गए कि यहाँ पर अपने भाई को डेडिकेट करते हुए कहते हैं कि मैं पहले जैसा नहीं रहा ना, उस तरीके का स्माइल मैं नहीं दे सकता, उस तरीके की रोमांचकारी मैं नहीं बना सकता चित्र को, बिकॉज मैं दुखी हूँ अपने लॉस से, अपने भाई की मृत्यु से, क्योंकि उनके भाई जान की मृत्यु समुद्र में डूबने से हो गई है। विल नेवर बी ओल्ड, है ना, जो चीज़ें खत्म हो गई हैं वो कभी भी
पुरानी नहीं होती, कहने का मतलब जो चीज़ें मर जाती है नवयुवक, जो चीज़ ख़त्म हो जाती है उस वो कंडीशन जो है पुरानी नहीं होती, वो यादें जो हैं हमेशा ताज़ा ही रहती हैं। इसलिए कवि के अंदर भी भाई के मृत की यादें कभी हमेशा ताज़ा ही रहती हैं, वो कभी ओल्ड नहीं होगी। दिस विच आई नो, जानता है आई स्पीक विथ माइंड सेरेन, लेकिन मैं जानता हूँ मैं किस माइंड से, मैं किस मन से बोल रहा हूँ, मैं ही फील कर सकता हूँ। आई होप आप समझ गए हैं। पिल कैसल नामक चित्रकारी जो कि समुद्र के अंदर जो लहरों के साथ अभी चमक रही है, इस दृश्य को जो कवि वर्णित कर रहे हैं, उस चित्रकारी के चित्रकार कौन थे? बेमोंट। बेमोंट ने ही चित्र को बनाया था। तो कहते हैं, फ्रेंड बेमोंट हु वुड हैव बीन द फ्रेंड, अभी दुखी में हैं, अपने भाई की मृत्यु पर दुखी हैं। कहते हैं, अगर तुम जिंदा होते, ऑफ हिम होम आई डिप्लोर, तुम्हें बहुत तुम्हारी प्रशंसा करता। दिस वर्क ऑफ दाइन, या तुम्हारा जो वर्क है, आई ब्लेम नॉट, मैं तुम्हारे वर्क पर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे वर्क पर, तुमने जो चित्रकारी की है पिल कासल की, मैं इस पर ब्लेम नहीं करता, शिकायत नहीं करता, बट कमेंट, लेकिन प्रशंसा करता हूँ। दिस सी इन एंगर, हाँ हालांकि हमारे अंदर क्रोध है। क्यों क्रोध है दोस्तों? क्योंकि उसी सी ने विलियम वर्ड्सवर्थ के भाई को निकल गया, मीन्स उसी समुद्र में विलियम वर्ड्सवर्थ के भाई जॉन वर्ड्सवर्थ की मौत हुई थी। तो समुद्र से तो ये दुखी हैं, लेकिन तुम्हारे वर्क से दुखी नहीं है। ऐसा मत समझना कि मैं तुम पर ब्लेम कर रहा हूँ। एंड दैट डिसमल शोर, इस डिसमल का मतलब दुखी, मेरे लिए यह शोर जो समुद्र तट का किनारा है मेरे लिए दुखद है, लेकिन तुम्हारा वर्क बहुत अच्छा है, मैं प्रशंसा करता हूँ। 11 नंबर, आई होप आप समझ गए होंगे। ओ डिस्पैशनेट वॉक एट वाइज एंड वेल चूजन इज द स्पिरिट दैट इज हेयर दैट हल्क विस्क लेबर्स इन द स्टडी स्वेल दिस ड्यूफुल स्काई दिस पेजेंट्री ऑफ फियर। कभी कहते हैं, ओ इट इज़ पैशनेट वर्क, यह तुम्हारी जो वर्क है बड़ा ही कल्पना भावनाओं से परिपूर्ण है, एट वाइज एंड वेल, पूरी तरीके से संदेश युक्त है, बुद्धिमानी पूर्वक चित्रित किया गया है, बहुत ही भली भांति इसमें बुद्धिमानी को दर्शाया गया है, यह चित्र भावनाओं से परिपूर्ण है, वेल चूजन स्प्रिट, पूरी भावनाओं से भरी पड़ी है, दैट इज हेयर दैट हल्क। आगे कहते हैं कि इसमें जो भारी भरकम जहाज की दशा निहित दिखाई गई है, इस लेबर इन स्टडी वेस्वेल, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से दिखाया गया है भारी भरकम जहाज जो कि तूफान से समुद्र में आगे बढ़ने के लिए परिश्रम कर रहा है, जो तूफान में समुद्र में तूफान के प्रति लड़ाई करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। दिस रियोफुल स्काई, यह जो रियोफुल मीन्स में धुंध भरा हुआ आकाश है, दिस प्रेजेंटली ऑफ फियर, इस डर को चीरते हुए परिश्रम करते हुए शोकपूर्ण आकाश के स्वरूप में निहित दिखाई देने वाला जो आपका जो चित्रकारी है, भय पैदा करने वाले इस संपूर्ण दृश्य को दिखा रहा है। एक बार फिर से समझें, दिस इट इज़ योर पैशनेट वर्क, कभी कहते हैं तुम्हारा वर्क जो है बहुत ही भावनापूर्वक है, कल्पनापूर्ण से है, रोमांचकारी से भरपूर है, वाइज एंड वेल, बुद्धिमानी से भरपूर है, वेल चूजन स्पिरिट, आत्मा को परिपूर्ण कर देने वाली है, दैट इज हियर जो तुम्हारी चित्रकारी है, दैट हल्क विस लेबर्स इन स्टडी, जो जहाज पानी के जहाज जो समुद्र में लहरों से लड़ते हुए आगे परिश्रम करते हुए बढ़ रही है, दिस ब्यूटीफुल स्काई, इस धुंध भरे आकाश में, दिस प्रेजेंट्री ऑफ स्फियर, जो डर को चीरते हुए आगे बढ़ रही है, इस तरीके की चित्रकारी से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 12 नंबर स्टेंजा, एंड दिस ह्यूज कैसल स्टैंडिंग हेयर सबलाइम, आई लव टू सी द लुक विथ विच इट ब्रेव सीज इन द अनफिलिंग आर्मर ऑफ ओल्ड टाइम द लाइटनिंग द फियर्स वाइन द ट्रम्पलिंग वेव। आगे कभी कहता है, दिस ह्यूज कैसल, ये तुम्हारा जो ह्यूज विशाल दुर्ग किला, स्टैंडिंग हेयर सबलाइम, बहुत ही चमकते हुए एकदम
दृढ़ तरीके से खड़ा है। विशाल दुर्ग जो यहाँ पर उत्कृष्ट भाव से खड़ा हुआ है, आई लव टू सी द लुक विच विथ विच ब्रेव्स, मुझे बहुत पसंद है यह निर्भीक मुद्रा में जो कि एकदम तन कर खड़ा है, मुझे बहुत पसंद है। आई लव टू सी मीन्स देखना, मुझे बहुत पसंद है ये बड़ी बहादुरी से जो एकदम डट कर खड़ा है, बड़ा सा दुर्ग किला, आई लाइक इट। आगे क्या कहता है कभी, एक मिनट दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है सीज इन द अनफिलिंग आर्मर, सीज इन द अनफिलिंग आर्मर, जिसे धारण करके तुम्हारे पुराने ओड पुराने जमाने के पत्थरों पर टिकाऊ कवच पहनकर यह दुर्ग बिजली, भयानक हवा और कुचलने वाली लहरों का साहस पूर्वक सामना कर रहा है ना। एक कवच पहनकर यह दुर्ग पुरानी कवच पहनकर लाइटनिंग, बिजली और हवाओं और लहरों से लड़ते हुए खड़ा है। कवि प्रशंसा कर रहा है इस स्टैंजा में। 13 नंबर स्टैंजा में क्या कहा जा रहा है, फेयरवेल फेयरवेल द हर्ड दैट लिव्स अलोन हाउस्ड इन अ ड्रीम एट डिस्टेंस फ्रॉम द काइंड सच हैप्पीनेस वेयर एवर इट बी नोन इट इज इट टू बी पिटीड फॉर इट्स श्योरली ब्लाइंड। आगे कभी कहता है, अब यहाँ पे वर्ड्सवर्थ विदा लेते हुए कहते हैं फेयरवेल फेयरवेल द हर्ट दैट लिव्स अलोन, कहते हैं कि रोमांचकारी हृदय की उस प्रवृत्ति को अलविदा कहते हुए कहते हैं कि वास्तविक मानव जीवन की सीमाओं से दूर है, काल्पनिक विश्व में अकेले भ्रमण कराने के लिए ले जाया जाती है ना। एट डिस्टेंस फ्रॉम द काइंड्स सच हैप्पीनेस वेयर एवर इट बी नोन, प्रत्येक दशा में रोमांच जो होता है, दिवा स्वप्न कल्पना और सुख सब निरर्थक होता है। रीजन इज टू बी पिटीड फॉर इट इज श्योरली ब्लाइंड, मीन्स कारण यह कि मानव को जीवन की सच्चाइयों के प्रति निश्चय ही अंधा बना देता है, मीन्स इट इज श्योरली ब्लाइंड, मानव को निरर्थक दूसरे में देखी हुई चीज़ें मीन्स अपने अंदर की जो भावनाएं होती हैं वो अंधा बना देती हैं। कभी दुख प्रकट करता है और इसमें विदा लेते हुए कहता है ना, एक बार फिर से फेयरवेल फेयरवेल द हर्ट दैट लिव्स अलोन, जो अकेले सोचते हैं, जो अकेले रहते हैं, उसे अलविदा कहते हुए कहता है कि हाउस इन ड्रीम, जो सपनों का घर है, इन ड्रीम एट डिस्टेंस फ्रॉम द काइंड्स, मीन्स दया दिखाना चाहिए, लोग दयालुता के लिए अपने आप को देखते हैं प्रत्येक दशा में, रोमांस को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, सच हैप्पीनेस ऐसी सुंदरता ऐसी खुशहाली को एक्सेप्ट करना चाहिए, वेयर एवर बी नोन जहाँ कहीं भी हो है ना। इट इज़ पीटी फॉर इट्स श्योरली ब्लाइंड, बहुत दुख की बात है कि लोग अपने प्रति दूसरों की क्वालिटी को न देखते हुए मिस अंधापन दिखाते हैं। आई होप आप समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर स्टैंजा नंबर लास्ट में आ गए हम, 14 स्टैंजा देखिए। बट वेलकम फोर्टिट्यूड एंड पेशेंट चीयर एंड फ्रिक्वेंट साइट ऑफ व्हाट इज टू बी बोर्न सच साइट और वर्स एज आर बिफोर मी हियर नॉट विदाउट होप वी सफर वी मोर्न, बहुत ही पॉपुलर लाइन है दोस्तों, याद रखना। वर्ड्सवर्थ कहते हैं बट वेलकम फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड मतलब तुम्हारे साहस को, करेज को मैं सलाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पेशेंट चीयर, मैं बहुत ही चीयरफुल पेशेंस को, तुम्हारे चीयरफुल प्रसन्नतापूर्वक धैर्य को भी सलाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। एंड फ्रिक्वेंट साइट ऑफ व्हाट इज़ टू बी बोर्न, जो इस दृश्य में आपने दिखाया है, सच साइट आवर्स आर एज ऑफ बिफोर मी हियर, मीन्स ऐसा दृश्य कोई बुरा हो, सुंदर हो या अच्छा हो, ऐसा दृश्य एज आ बिफोर मी हियर, जब हमारे सामने आती हैं, नॉट विदाउट होप वी सफर एंड वी मोर्न। देखिए बहुत ही पॉपुलर लाइन यह है,
लास्ट की लाइन, नॉट बी विदाउट होप वी सफर, बिना उम्मीद के हम सफ़र नहीं करते। मीन्स जहाँ जब हम ज़्यादा उम्मीद करेंगे तो जितना उम्मीद हम करेंगे उतना ही हमें दुख होगा। अगर आप इच्छा नहीं रखेंगे किसी चीज़ की तो तकलीफ भी नहीं होगी। एंड वी मॉर्न विदाउट, बिना होप, बिना उम्मीद के ना ही हम सफ़र करते, ना ही हम मॉर्न करते, ना ही हम दुखी होते हैं। तो उम्मीद अगर हम छोड़ देते हैं किसी चीज़ को पाने की या किसी चीज़ को पीछे करने की, तो हमें दुख भी वहाँ नहीं मिलता। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर सच में समझ में आया, एक्सप्लेनेशन पसंद आया, तो लाइक कर दें वीडियो को, शेयर करें, और हाँ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।